नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे लोग परेशान हैं जिनका कि फिफ्थ फेज में एग्ज़ाम नहीं शेड्यूल किया गया है, तो उनको डर लग रहा है कि क्या मेरा फिफ्थ फेज में नहीं है तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों का एक और भी परेशानी ये है कि मेल तो RRB ने कर दिया लेकिन उसको शेड्यूल नहीं किया है, जैसा कि इस RTI में बताया गया है। तो इन सभी तमाम मुद्दों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसा कि इस RTI में पहला इनका क्वेरी था कि सर सो प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माई एप्लीकेशन एंड CVT1। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनका, देखिएगा यहाँ पे, आई हैव गोट मेल 4 जनवरी 2021 बट माई एग्जामिनेशन डिड नॉट कंडक्ट टिल 4 फरवरी 2021। सो आई वॉन्ट टू क्या आई वॉन्ट टू सब इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन। मतलब कि इनका मेल आ गया था 4 जनवरी को ही, लेकिन इनका 4 फरवरी तक शेड्यूल नहीं किया गया है, तो इनको डाउट है कि कहीं इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं हो गया। यही सब चीज़ें हैं और ये लगाए हैं मुंबई बोर्ड में। तो मुंबई बोर्ड में कितने अभी तक मतलब कि कितने एप्लीकेशन डाले गए हैं, वही सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मुंबई बोर्ड हुज एग्ज़ाम विल नॉट कंडक्टेड टिल 4 फरवरी। हालांकि बहुत सारे इसने ये जो RTI है इसमें क्वेश्चन राइज किए गए हैं, वो सभी तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि जो टेस्ट बुक है वो आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है, लेकिन आप अगर ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो ये चीज़ें आपको 269 में मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और आपको भी पता है कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट कितना आवश्यक होता है, इससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाते हैं, क्योंकि कितना भी पढ़ ले जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डायरेक्ट आप अगर एग्ज़ाम में जाते हैं और इस तरह के पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं और आप प्रैक्टिस उस तरह से नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन पहले से प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है। तो काफ़ी सस्ता है, 269 में मिल जाएगा। आप ER मनीष कूपन कोड यूज कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो बात कर रहे थे इस RTI जो कि मुंबई बोर्ड में लगाया गया है, तो इसमें तमाम तरह के जो आपके परेशानी है, क्वेरी है, उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश अपन करेंगे डिस्कस करके। यहाँ पे देखिएगा, रिप्लाई आया है उस RTI का कि रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस द एग्ज़ाम डेट रिलेटेड क्वेरी विजिट ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि अगर आपका शेड्यूल अभी तक नहीं किया गया है और अगर आप RTI लगाते हैं तो आप ये भूल जाइए कि RTI में आपको कोई जवाब देगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि हमारा एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, तो RTI में इन्होंने बताने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि आप विजिट कीजिए RRB के जो वेबसाइट है, लेकिन एक डेटा इन्होंने प्रोवाइड किया है कि जो मुंबई बोर्ड है RRB का, उस में 11.5 लाख एप्लीकेशन डाले गए हैं। और अगर हम इसके बात करें कि इस अगर 11.5 लाख में 50% से नीचे ही अटेंडेंस जा रहे हैं, तो 5 लाख तकरीबन आपके अटेंडेंस जाएंगे, ठीक है। 5 लाख में 4,000 अराउंड वैकेंसी है, तो अगर 20 गुना कर दें तो 80,000। यानी कि अगर हम परसेंटेज निकालें तो 80,000, ठीक है, इस तरह से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। 5 लाख है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए, ये 3 0 4 0 और ये 5 0, ठीक है, यानी कि 80, यानी कि 8 2 16, ठीक है, यानी कि 16% अटेंडेंस है। कहने का मतलब ये है कि 100 बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अगर आप उसमें 16 के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, 16 के अंदर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा CVT1 में। इसका ये डेटा कह रहा है, ऑफिशियल डेटा तो यही है कि 11.5 लाख। और आपको मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि जितने भी RRB हैं वहाँ पर जो अटेंडेंस है 46 से 48 के अराउंड जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो 16% बच्चे, यानी कि 100 बच्चे अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आप मॉक टेस्ट में देखते हैं कि का इस फेज में आ रहा है, यानी कि 100 में 16 आ रहे हैं रैंक, उसी के अनुसार 1,000 में कितने आ रहे हैं, फिर 160 हो सकते हैं 1,000 में, फिर 1 लाख में कितने आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि इतना आप कर रहे हैं कि नहीं। अगर OBC है या SC ST है तो और भी परसेंटेज बढ़ जाता है, यानी कि 100 में 20-25 भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि कितना यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कंपटीशन है, ठीक है। इनका थर्ड जो क्वेरी था उसके बारे में भी इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि अभी कितने बच्चे का शेड्यूल करना बाकी है। तो टोटल कहने का मतलब ये है। और हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोग डाउट पूछते हैं कि सर अगर रिप्लाई नहीं आता है तो क्या करना है, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट
प्रीति दही आती है, यानी कि जिस रिप्लाई से आप संतुष्ट नहीं है, तो उसमें भी आपको 30 दिन पहले, यानी कि जिस दिन आपको ये आरटीआई का रिप्लाई आया, तो उसके 30 दिन के पहले तक आप इस आरटीआई को रिफ्रेश देके आप ये कह सकते हैं कि इस रिप्लाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो और भी इसके बारे में डेटा मुझे प्रोवाइड किया जाए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर हुबली का नहीं लगा रहे हो, तो सर अपन हुबली का भी लगाए लेकिन उसका पर्टिकुलर जवाब नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उस वो डेटा देने से मना कर रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको आंकड़ा नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। जैसे ही कभी भी मेरे पास आपके हुबली का डेटा आएगा, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मैं सभी जोन का लगभग मतलब कि धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब तक कम से कम तो 6-7 जोन का तो मैंने बता ही दिया होगा, तो आप पेशेंस रखिए। जैसे ही मेरे पास डेटा आता है, अभी तक हुबली का एक बार लगाया भी गया था तो उन्होंने डेटा नहीं दिया है, तो जैसे ही आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये रही आपके आरआरबी मुंबई बोर्ड के आरटीआई के थ्रू जितने भी तरह के क्वेरी आपके हैं उसके रिप्लाई, ठीक है। तो अगर आपके शेड्यूल नहीं किए गए 5th फेज में, तो अगर आप आरटीआई भी लगाते हैं तो कोई मुझे नहीं लग रहा कि फ़ायदा होगा, क्योंकि ये खुद डायरेक्ट बोल रहा है कि आप उसके वेबसाइट को चेक करते रहें, तो अब इसका क्या मतलब होगा, वो तो ऑब्वियस करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह बने रहिएगा चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक बार फिर से रिवाइंड कर दूँ कि टेस्ट बुक आपने के लिए लाया ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको ईआर मनी कूपन कोड यूज करने के बाद 269 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और अगर फिर भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, इसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन हो, पेपर कटिंग हो, वीडियो हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ उस पर आप ज़रूर भेजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप ही को फ़ायदा होगा, मैं उसकी रियलिटी को और उसके प्रोस्पेक्टिव व्यू को हम डिस्कस कर सकें। प्रोस्पेक्टिव व्यू यानी कि उसका भविष्य में क्या मतलब कि इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये सब चीज़ों को हम यहाँ पर एनालाइज करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आंकड़े रहते हैं, तो उसको रिफरेंस बना के एक दूसरे से मैच करके चीज़ों को सॉल्व करने में, चीज़ों को एनालाइज करने में बहुत मतलब कि फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मुझे सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।